सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपकी फेसबुक से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, आज वाली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर गाइज आप फेसबुक पर अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए जाते हैं तो गाइज आपको इस तरह के एरर का सामना करना पड़ सकता है। रिमूविंग नंबर, दिस कंटेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, द कंटेंट यू रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी डिस्प्लेड राइट नाउ, इट मे बी टेम्परेली अन अवेलेबल, द लिंक यू हैव क्लिकड ऑन मे हैव एक्सपायर्ड और यू मे नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस पेज। अगर गाइज आप भी फेस करते हैं इस प्रकार के एरर को तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आपको इसको एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर गाइज मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से गाइज 101% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए गाइज, सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद गाइज आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज सर्च बार में सर्च कर लेना है फेसबुक। तो गाइज फेसबुक आपके सामने आ जाती है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से गाइज नीचे आपको तीन बटन देखने को मिलेंगे, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल और क्लियर डाटा। आपको गाइज एक बार क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है क्लियर कैच। ये कर देने के बाद गाइज आपको एक बार इसके जो परमिशन है उन सभी को भी देख लेना है, सभी परमिशन अलाउ होनी चाहिए। ये कर देने के बाद आपको बिल्कुल ही बैक आ जाना है। उसके बाद गाइज आपको अपने फेसबुक को यहाँ से ओपन करके देख लेना और अपने मोबाइल को रिमूव करके देख लेना है। तो ये करने के बाद गाइज अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ठीक है, नहीं तो गाइज अब क्या करना है, आपको दोबारा से अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है, ऐप्स पर जाना है, मैनेज ऐप्स पर जाना है, यहाँ से अगेन सर्च करना है फेसबुक। तो गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आ जाएगा, आपको इस बार क्लियर ऑल डाटा कर देना है। क्लियर ऑल डाटा कर देने के बाद गाइज आपको अगेन बैक आना है और आपको गाइज जो बैकग्राउंड में आपका फेसबुक है आपको उसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद गाइज आपको अपने प्ले स्टोर पर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से फेसबुक सर्च कर लेना, यहाँ से गाइज आपको चेक कर लेना है, अगर आपका फेसबुक अपडेट मांग रहा है तो गाइज उसको आपको अपडेट कर लेना है। ये कर लेने के बाद गाइज आपको बैक आना है और अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट कर देने के बाद गाइज आप पाओगे जो आपका ये एरर है इससे आपको छुटकारा मिल चुका है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं गाइज आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है, अगेन सेटिंग पर क्लिक करना है। आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो शो हो जाता है। उसके बाद गाइज आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो गाइज आपको नीचे ही ये रिमूव का रेड बटन शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब गाइज देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को रिमूव कर पाओगे। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मेरे को जस्ट आपको इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।